श्रीकांत बोला ने वो कोर्ट गया कोर्ट ने एक हफ्ते के अंदर उसके पक्ष में जजमेंट दी उसने टेन प्लस टू में साइंस की और पूरे आंध्र प्रदेश को टॉप किया उसको नाइन्टी नाइन परसेंट मार्क्स मिले उसके बाद उसने अप्लाई किया आई, आई में आई, आई ने उसको एंट्रेंस एग्जाम में बिठाने से मना कर दिया उन्होंने कहा भैया हम एक अंधे व्यक्ति को कैसे रखें बोर्डिंग में कैसे रखें उनको पढ़ाएं कैसे हमारे पास ये सुविधा नहीं है हम नहीं कर पाएंगे उसने कहा कोई बात नहीं उसने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एम में अप्लाई किया जो दुनिया का सबसे नंबर वन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है और वो पहला बच्चा बना दुनिया में जो अंधा था और उसको फुल स्कॉलरशिप मिली एम से फिर वो एम गया और वो एक गोल्ड मेडलिस्ट बना वो टॉपर बना गूगल फेसबुक सब ने उससे कहा कि भैया आप हमारे पास आइए और नौकरी करिए क्योंकि वो टॉपर था एम का उसने कहा नहीं जो विपरीत परिस्थितियों का सामना मैंने किया है मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई दूसरा करे वो वापस हिंदुस्तान आया और उसने एक इंडस्ट्री खोली जिसका नाम बॉलेंट इंडस्ट्रीज़ है आज श्रीकांत बोला कि इंडस्ट्री 200 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है और इसमें ताजुब की बात और आशा की बात ये है कि 80 परसेंट लोग जिसको उसने इंडस्ट्री में रखा है वो या तो अंधे हैं या तो वो विकलांग हैं और जब आप ऐसे कहानी सुनते हो तो आपको लगता है जिनको ऊपर वाले ने इतना कम दिया है अगर वो क्रांति ला सकते हैं तो हम और आप भी बहुत बड़ा काम अपने ज़िंदगी में कर सकते हैं मैं पंजाब में था पिछले दस दिन बारह दिन पहले मैंने देखा एक लड़की जिसका नाम था बिस्मन देव बिस्मन एक पंद्रह साल की लड़की है और एक किसान की बेटी है उसने देखा कि हर बार जब गेहूं की खेती होती है धान की खेती होती है तो जो भूसा होता है उसको लोग जलाते हैं और उससे बहुत व्यापक प्रदूषण फैलता है पूरे उत्तर भारत में दिल्ली में प्रदूषण का एक कारण भी ये है उसने कहा क्या कर सकते हैं हम इसके लिए उसके गांव में कुछ पढ़े लिखे लोग थे ज़्यादा साइंटिस्ट उन्होंने कहा कि चाचा इसकी टेस्टिंग कराइए तो उन्होंने देखा ये जो भूसा है इसका सिलिका कंटेंट बहुत ज़्यादा है और उसके वजह से ये वाटरप्रूफ भी है और उसके वजह से यह दीमक प्रतिरोधक भी है टर्माइट रेजिस्टेंट है और उसने ये देखा कि अगर ऐसा है वाकई तो क्या हम इसके लकड़ी नहीं बना सकते जिससे हम लोग गरीबों के घर बना पाए तो उसने अपने पैसे कुछ डाले और उसकी टेस्टिंग की और एक नई किस्म की लकड़ी बनाई जिसको उसने ग्रीन वुड का नाम दिया ग्रीन वुड और ह्यूलिट पैकार्ड ने एच ने तैतालीस हज़ार बच्चों से उनके इनोवेशंस मांगे और हमारी पंजाब की जो बहन है वो नंबर वन आई तैतालीस हज़ार बच्चों में और ह्यूलिट पैकार्ड ने उसको पैसे दिए और आज वो उन पैसों से 500 गरीब लोगों के लिए उसी लकड़ी के साथ घर बना रही है 15 साल की लड़की मैं उड़ीसा में था दो दिन पहले भुवनेश्वर में मैंने भुवनेश्वर में देखा एक कोरापुट एक बहुत गरीब जिला है कालाहांडी बोलंगीर कोरापुट बी के कहा जाता है देश के तीन सबसे गरीब जिले और उसमें क्या हो गया क्या और जहाँ आठ बच्चे दस बच्चे एक अमरूद के पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ते थे आज वहाँ एक हजार बच्चे पढ़ रहे हैं उसके स्कूल में और आप देखिए आज बाबर तेईस साल का है आज भी नौजवान है और कॉलेज में पढ़ रहा है लेकिन जितने बच्चों को उसने पढ़ाया उसमें से साठ बच्चे टीचर बने और वो गांव-गांव आज जाते हैं और वो और बच्चों को पढ़ाते हैं और इस तरीके से एक क्रांति आ गई उस जिले में मैं ऐसे शख्स को नमन करता हूं मैं आंध्र प्रदेश गया था मैंने आंध्र प्रदेश में एक आदमी के बारे में पढ़ा फिर मैंने संपर्क किया उनका नाम है श्रीकांत बोला श्रीकांत बोला नेत्रहीन पैदा हुए थे अंधे पैदा हुए थे और जब वो क्लास टेन पार किए तो उन्होंने कहा मैं साइंस करना चाहता हूँ तो कोई भी स्कूल ने उनको लेने से इनकार किया उन्होंने कहा भैया एक अंधे व्यक्ति को हम साइंस कैसे पढ़ाएंगे या दुनिया भर के प्रयोग हैं एक्सपेरिमेंट्स हैं दुनिया भर की प्रैक्टिकल है वो एक अंधा व्यक्ति कर कैसे पाएगा उन्होंने कहा मैं करूंगा उन्होंने कहा नहीं भैया हम नहीं कर सकते आपको नहीं ले सकते श्रीकांत बोला ने वो कोर्ट गया कोर्ट ने एक हफ्ते के अंदर उसके पक्ष में जजमेंट दी उसने टेन प्लस टू में साइंस की और पूरे आंध्र प्रदेश को टॉप किया उसको नाइन्टी नाइन परसेंट मार्क्स मिले उसके बाद उसने अप्लाई किया आईआईटी में आईआईटी ने उसको एंट्रेंस एग्जाम में बिठाने से मना कर दिया उन्होंने कहा भैया हम एक अंधे व्यक्ति को कैसे रखें बोर्डिंग में कैसे रखें उनको पढ़ाएं कैसे हमारे पास ये सुविधा नहीं है हम नहीं कर पाएंगे उसने कहा कोई बात नहीं उसने मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एम में अप्लाई किया जो दुनिया का सबसे नंबर वन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है और वो पहला बच्चा बना दुनिया में जो अंधा था और उसको फुल स्कॉलरशिप मिली एम से फिर वो एम गया और वो एक गोल्ड मेडलिस्ट बना वो टॉपर बना गूगल फेसबुक सब ने उससे कहा कि भैया आप हमारे पास आइए और नौकरी करिए क्योंकि वो टॉपर था एम का उसने कहा नहीं जो विपरीत परिस्थितियों का सामना मैंने किया है मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई दूसरा करे वो वापस हिंदुस्तान आया और उसने एक इंडस्ट्री खोली जिसका नाम बॉलेंट इंडस्ट्रीज है आज श्रीकांत बोला कि इंडस्ट्री 200 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है और इसमें ताजुब की बात और आशा की बात यह है 80 परसेंट लोग जिसको उसने इंडस्ट्री में रखा है वो या तो अंधे हैं या तो वो विकलांग हैं और जब आप ऐसे कहानी सुनते हो तो आपको लगता है जिनको ऊपर वाले ने इतना कम दिया है अगर वो क्रांति ला सकते हैं तो हम और आप भी बहुत बड़ा काम अपने जिंदगी में कर सकते हैं <laughs> मैं पंजाब में था पिछले दस दिन बारह दिन पहले मैंने देखा एक लड़की जिसका नाम था बिस्मन देव बिस्मन एक पंद्रह साल की लड़की है और एक किसान की बेटी है उसने देखा कि हर बार जब गेहूं की खेती होती है धान की खेती होती है तो जो भूसा होता है उसको लोग जलाते हैं और उससे बहुत व्यापक प्रदूषण फैलता है पूरे उत्तर भारत में दिल्ली में प्रदूषण का एक कारण भी ये है उसने कहा क्या कर सकते हैं हम इसके लिए उसके गांव में कुछ पढ़े लिखे लोग थे ज़्यादा साइंटिस्ट उन्होंने कहा कि चाचा इसकी टेस्टिंग कराइए तो उन्होंने देखा ये जो भूसा है इसका सिलिका कंटेंट बहुत ज़्यादा है और उसके वजह से ये वाटरप्रूफ भी है और उसके वजह से यह दीमक प्रतिरोधक भी है टर्माइट रेजिस्टेंट है और उसने ये देखा कि अगर ऐसा है वाकई तो क्या हम इसके लकड़ी नहीं बना सकते जिससे हम लोग गरीबों के घर बना पाए तो उसने अपने पैसे कुछ डाले और उसकी टेस्टिंग की और एक नई किस्म की लकड़ी बनाई जिसको उसने ग्रीन वुड का नाम दिया ग्रीन वुड और ह्यूलिट पैकार्ड ने एच ने तैतालीस हज़ार बच्चों से उनके इनोवेशंस मांगे और हमारी पंजाब की जो बहन है वो नंबर वन आई तैतालीस हज़ार बच्चों में और ह्यूलिट पैकार्ड ने उसको पैसे दिए और आज वो उन पैसों से 500 सौ गरीब लोगों के लिए उसी लकड़ी के साथ घर बना रही है पंद्रह साल की लड़की मैं उड़ीसा में था दो दिन पहले भुवनेश्वर में मैंने भुवनेश्वर में देखा एक कोरापुट एक बहुत गरीब ज़िला है कालाहांडी बोलंगीर कोरापुट के बी के कहा जाता है देश के तीन सबसे गरीब जिले और उसमें क्या हो गया क्या वो देखते थे कि वो छिलके लोग फेंक देते थे खा के और पूरे सब गंदगी फैलती थी पूरे गांव में आसपास। उसने देखा कि ये ये जो मक्का है ये जो भुट्टा है ये इसके जो छिलके हैं ये हर चीज़ को दूषित चीज़ को अपने अंदर समा सकता है कंटैमिनेंट्स को अपने अंदर अब्ज़ॉर्ब कर सकता है अपने अंदर भंग कर सकता है और उसने सोचा कि अगर मैं एक नया इन्वेंशन बनाऊं कि मैं लेयर ऑफ मक्के को करूं और दूषित पानी को उसके बीच में से डालूं तो क्या वो दूषित पानी से सॉल्ट ऑक्साइड तेल रंग क्या वो सब साफ़ होगा और उसने देखा कि 80 प्रतिशत साफ़ होता है और उसने गूगल के लैरी पेज को एक चिट्ठी लिखी है एक ईमेल लिखा उसने नहीं किसी उसके जान पहचान बड़े ने और लैरी पेज ने दो दिन के अंदर वापस भेजा और उसने कहा कि आप कमाल की लड़की हो मैं बीस हज़ार डॉलर भी भेज रहा हूँ और मैं दो लोगों को कैलिफोर्निया से भेज रहा हूँ जो आपके साथ बैठ के इसको एक पूर्ण रूप देंगे ताकि हिंदुस्तान में जहाँ भी दूषित पानी है इसको इस्तेमाल किया जाए और इस पानी को गांव-गांव में गंदे तालाबों को प्रदूषित पानी को साफ किया जाए एक चौदह साल की लड़की ने ऐसा काम किया देखिए, नौजवान अपने आवाज को कभी कभी राजनीति में कम पाता है क्यों क्योंकि उसकी राजनीति में हिस्सेदारी बहुत कम है जब देश आजाद हुआ था तो देश की जो एवरेज एज थी जो औसत आय थी वो 40 थी आज जो औसतन आय है देश की जो उम्र है जो औसतन उम्र है जो औसतन आयु है वो 33 है लेकिन 1952 में जब पहला पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ तो जो आयु एम की थी औसत की एवरेज एज वो 46 थी और आज जो एम की एवरेज एज है वो 59 है तो हमारा देश तो युवा होते जा रहा है लेकिन हमारी राजनीति कुछ बुजुर्ग होती जा रही है और जब तक हम इस खाई को नहीं पटेंगे तब तक नौजवान की पूरी भूमिका राजनीति में नहीं दिखाई देगी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कुछ नौजवान जो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं जो मैंने देखा दिल्ली में पचपन हज़ार बच्चे सड़क पे रहते हैं वो खोए खोए ज़िंदगी अपना बिताते हैं किसी का रेप होता है किसी का मर्डर होता है किसी का सेक्सुअल अब्यूज़ होता है कोई कचरा कूड़ा साफ करता है तो कोई भीख मांगता है रेड लाइट पे। पचपन हज़ार बच्चे मैंने देखा ऐसा ही ऐसे ही एक लड़की जो रेड लाइट पर फूल बेचती थी जिसका नाम है चांदनी उसने तय किया कि मैं एक छोटा सा अखबार खोलूंगी, जिसका नाम उसने रखा बालक नामा और जब भी आपको चांस मिले आप प्लीज़ उस अखबार को देखिए अब एक 16 पेज का अखबार है और 8000 कॉपीज छपती हैं हर महीने और हर पुलिस थाने में हर गवर्नमेंट स्कूल में हर गवर्नमेंट अस्पताल में गवर्नमेंट ऑफिस में आप उसको पाएंगे और वो केवल उन बच्चों की आवाज़ है उनकी कोई भी कहानियाँ हैं उनके सुख की उनके दुख की उनके एजेंडा की कि उनको आधार कार्ड कैसे नहीं मिल रहे दिल्ली के आसपास पता चला कि नौजवानों को रेल के पटरी पे जहाँ जानवर मरते हैं लोग कूदते हैं कभी कभी उनके शव को साफ करने के लिए बोला जा रहा था जो टोटली इलीगल है और मैंने उस अखबार को पढ़ा जो एक एन चेतना के माध्यम से प्रकाशित हो रहा है और मुझे लगा कि हम लोग क्यों नहीं उन लोगों की आवाज़ बन सकते हैं जिनके पास आज कोई आवाज़ नहीं है अगर वो लोग अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं तो क्या हम लोगों का कर्तव्य नहीं बन सकता उनकी लड़ाई लड़ने के लिए मैंने देखा एक वेबसाइट को जिसका नाम है यूथ की आवाज़ आपको भी देखना चाहिए एक अंशुल तिवारी नाम के एक नौजवान ने शुरू किया और ये वेबसाइट फेमस तब हुई जब एक निकिता आज़ाद की चिट्ठी आई उस पर और उन्होंने उसको पब्लिश किया जिसने कहा कि ये जो बड़े बड़े मंदिर हैं बड़े बड़े धार्मिक स्थान हैं जब औरत मैंस्ट्रुएट करती है तो वो अपवित्र है और वो उस स्थान में कभी नहीं जा सकती क्योंकि वो उसकी पवित्रता नहीं है उस समय और निकिता आज़ाद ने एक आंदोलन शुरू किया जिसका नाम था हैप्पी टू ब्लीड और मैं कहना चाहता हूँ आज कि जिस औरत को जिस माँ को जिस बहन को जिस बच्ची को भगवान ने बनाया उसको भगवान अपवित्र कैसे कर सकता है जो चीज़ प्राकृतिक है जो चीज़ नेचुरल है ये तो बिल्कुल एक बेवकूफ़ ही कहेगा कि एक औरत को महीने में एक बार अपवित्र कहा जा सकता है और वो मंदिर गुरुद्वारा मस्जिद नहीं जा सकती और इस यूथ की आवाज ने इसको एक मुद्दा बनाया और इससे एक व्यापक परिवर्तन देश में आया और इस यूथ की आवाज में 25 साल की उम्र से कोई बड़ा नहीं है जो काम करता है मैं ये पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि यहां किसी ने कभी आर फाइल किया है कुछ लोगों ने लेकिन कम देखिए आर एक बहुत बड़ा शस्त्र है हमारे हाथ में लखनऊ के एक लड़की ऐश्वर्या पराशर ने एक आर फाइल किया और प्रसिद्ध हुई क्योंकि उसका आर पहला आर टी ये था कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का कादा किसने दिया लेकिन उस पर मुझे इतनी खुशी नहीं हुई उसके दूसरे काम से मैं बहुत प्रसन्न और प्रभावित हुआ वो एक छोटी सी बच्ची लखनऊ में स्कूल में पढ़ती थी और उसके स्कूल के बगल में एक कचड़ा और कूड़ा का ढेर था जिसके वजह से जिसके वजह से सारे स्कूल के बच्चे बीमार हो रहे थे उन्होंने आरटीआई फाइल की और कहा कि ये किसने बनाया और क्यों बनाया स्कूल के बगल में और क्या स्कूल के बगल में कूड़ादान होना चाहिए और पंद्रह दिन के अंदर वो कूड़ेदान वहाँ से हटाया गया और उसके जगह में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनाई गई सब बच्चों के लिए दस साल की बेट बेटी है 2011 में तेलंगाना के निज़ामाबाद में वेलपुर गांव में एक छोटे से बच्चे 11 साल के मनोज ने कहा जो बीड़ी मजदूर के बच्चे थे उनको वजीफ़ा मिलता था उसने कहा यह वजीफ़ा हमको नहीं मिल रहा कोई बच्चे आ नहीं रहे क्यों तो पता चला कि एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दूसरे जगह शिफ्ट कर रहा था और सारे फाइल गुम हो गई और सत्तर हज़ार बच्चे जो तेलंगाना में पढ़ रहे थे जिनको वजीफा मिलता था जो बीड़ी मजदूर के बच्चे थे उनकी पढ़ाई लिखाई बंद हो गई और एक छोटे से बच्चे के पी के वजह से सब लोगों के वजीफे वापस शुरू हो गए ये ताकत है इस चीज़ की देखिए आज सामाजिक प्रक्रियाएं बदल रही हैं और नागरिक क्रांति इस देश में आनी चाहिए हम लोग अपने आप को व्यवस्था से जोड़ें तभी हम व्यवस्था को सुधार सकते हैं मैं आपको दो उदाहरण दे सकता हूँ कि कैसे लोकतंत्र को और गहरे करने के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए परिवर्तन दुनिया में हो रहा है मैं पिछले हफ्ते यूरोप गया था और मैंने दो बहुत बड़ी चीज़ें वहाँ पाई जर्मनी में एक मैंने वेब प्रोग्राम देखा टीवी पे जिसका नाम है पार्लियामेंट वॉच और पार्लियामेंट वॉच में आम जनता हर हफ्ते प्रश्न पूछ सकती है अपने एम से कोई भी प्रश्न जो काम से रिलेटेड हो देश हित में हो और जिस एमपी को वो पूछेगी उसको अनिवार्य है वहाँ आना और उसका जवाब टीवी पे देना तीन घंटे का प्रोग्राम हफ्ते में एक बार चलता है और जर्मनी का सबसे हाईएस्ट रेटेड प्रोग्राम है और जो एमपी मना कर देता है वो फिर दिखाते हैं कि भाई ये एमपी जो है जनता का सम्मान नहीं करता और ये प्रश्नों का जवाब नहीं देना चाहता और मैंने खुद उस कार्यक्रम को देखा और मुझे लगा काश हमारे देश में भी ऐसा सिस्टम आए कि कोई भी देश का व्यक्ति किसी भी नेता से किसी भी प्रकार की जवाबदेही अपनी मांग सकता है और किसी प्रकार की पारदर्शिता कर सकता है हमारे देश में अगर मैं ईमानदारी से सब नौजवानों को पूछूं कि क्या आप जानते हो आपके विधायक का नाम क्या है आपके सांसद का नाम क्या है आप में से आधे लोग शायद उनका नाम नहीं बता पाएंगे और यह आपका दोष नहीं है क्योंकि आपका ना सीधा संवाद हुआ उनसे और ना सीधे सीधे आपके जीवन में वो आए हैं लेकिन समय आ गया है अब नौजवान को इस व्यवस्था का नेतृत्व करना पड़ेगा तभी इस देश के सारे सारे सपने पूरे होंगे दूसरा मैंने इटली में देखा जो एक कार्यक्रम था जिसका नाम है मोनिथॉन और मोनिथॉन के के तहत एक एक पैसा जो सरकार अपने बुनियादी ढांचे पर खर्च करती है मतलब सड़क पे, बिजली घर पे हाईवे पे पुल बनाने में वो एक, एक पैसे का खर्च का ब्यौरा इंटरनेट पे डाला जाता है हर साल का खर्च नहीं रोज़ का खर्च कि उस दिन उस पुलिया उस हस्पताल को बनाने में कितना पैसा खर्च हुआ पूरे प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी है कौन सा मज़दूर नाम और फ़ोन नंबर तहत कितने घंटे काम उस दिन किया है और प्रोजेक्ट का लेंथ कितना है मान लीजिए 120 दिन का कितने दिन डिले चल रहा है क्यों डिले चल रहा है और उसमें सबसे अच्छी बात है कि इटली का कोई भी व्यक्ति उससे प्रश्न पूछ सकता है और सरकार बाद